ये हमारे बस की बात नहीं है भाई। और मुझे जगह बहुत बूतिया लग रही है ये। कहीं जगह पर वेदर ठीक हो जाता है, किसी जगह पर वेदर बैड है। सुनने में और करने में फर्क होता है भाई। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नु, मेरा नाम विपिन कटारी और आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। हाँ जी, तो रेडी है भाई निकलने के लिए। आज पहले तो ना सामान जो सेट किया है ना, एक सेकंड गियर में डाल लें बाइक को, जो आगे ना जाए। चाबी निकाली नहीं, पहले ही यहाँ पे रख लिया। हाँ जी, तो निकल चुके हैं भाई रोड के ऊपर। अभी जाना है हमें काम के ऊपर, और काम पे हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। मैंने वैसे काफी मुश्किल से सेटिंग किया, मुझे ऐसा था कि निकलना है रोड के ऊपर, सारा मोटरसाइकिल का तो कंजा तो कस लिया, और पीछे जो एक मैंने ना बैग रखा है उसकी मुझे थोड़ी सी टेंशन है, बस वो पूरा परफेक्ट पहुंच जाए, क्योंकि अगर हम स्पीड से जाते हैं तो उसमें ना कोई प्रॉब्लम आए। ज्यादा गुस्सा नहीं विपन, ज्यादा गुस्सा नहीं, थोड़ा सा नीचे आओ। ये 70 का रोड है। ओहो, पहली बत्ती लाल होगी भाई। पीछे बैग रख के ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे इंडिया में ना हम टूर पे नहीं जाते, वैसी फीलिंग आ रही है। बैग रख लिया पीछे और किसी टूर के ऊपर जा रहे हैं भाई साहब, काम पे जा रहे हैं हम। तेल की जरूरत नहीं है ना, तेल भी गुड है यार, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है। और भाई आज हम लेके जा रहे हैं रोल टाइट, जो आपको पता है रोल टाइट ट्रेलर है, मैंने आपको पहले भी दिखाया है काफी बार। आज हमारी बारी आ गई वो चलाने की, मैंने कभी चलाया नहीं, तो उसको देखेंगे कैसे उसको प्रोसेस करते हैं हम, और एक दो बार चला के थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कैसा है। पर उसके ऊपर टायर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, बट हाँ रोल टाइट है, थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा उसमें। अगर टायर पर नो टायर भी हुआ तो भी काम करना पड़ेगा, तो और उसको मुझे पता नहीं कैसे यूज करते हैं, पहले देखते हैं। और मैं यार गलती कर ली आज ना, लेट हो गया, मुझे पता था कि रोल टाइट है, तो वहां पे भी थोड़ा जाके टाइम लगेगा हमें, तो कोई बात नहीं, खींच के चलते हैं। जब भी हमें सिग्नल लेना होता है ना, लेफ्ट टर्न वाला, ये सारा सेंसर है, ये जो आप सारी काली पट्टी देख रहे हो ना, ये सेंसर है, इसके ऊपर लगा लो और आपको जो सिग्नल मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। ये गाड़ी देखो आप यार, बिल्कुल इनोवा जैसी नहीं लग रही, पड़ोसी हमारे इंडिया में जो इनोवा होती है वैसी है। कौन कहता है भाई कनाडा के रोड बिल्कुल पानी जैसे हैं, ये देखो इतनी उखली आ रही है ना। डिक्सी रोड तो स्पेशली इन्होंने बिल्कुल नहीं ठीक किया, ये देखो उखली टाइम पे, और मुझे बस ऐसा लग रहा है कि किसी मैं ना रोलर कोस्टर पे हूँ अभी। ये देखो कितनी उखलियां आ रही है रास्ते में, कितने खड्डे हैं यार। बाकी बातों की बातें, जो इतना बगाने का स्वाद नहीं आता, जो एकदम से ना ये करने का मजा आता है, एकदम से जो पिकअप निकालने का मजा आता है ना, वो मजा नहीं है भाई साहब। जब इंडिया में होते थे ना, वहां पे जब गर्मियों में लाइट चली जाती थी, तब बहाने से बाहर निकलते थे मोटरसाइकिल लेके कि भाई हवा आएगी बाहर से, तो यहाँ पर भी वैसी हालत है। मैंने जैकेट पहन रखी है ना, आप देख सकते हो, जैकेट तो पता है गर्मियों में कौन पहनता है, पर मोटरसाइकिल के ऊपर थोड़ी सी सेफ्टी की वजह से पहन लेते हैं, क्योंकि एक तो हवा का जो विंड का ब्लो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उस वजह से भी वो आ गया भाई। ब्रैम्पटन की आन बान शान, ब्रैम्बली सिटी सेंटर मॉल, ये देखो जिसने गाड़ी संभाल कर रखी होती है ना, ये मैंने देखा पहले कैमरा ऑन नहीं था, कैमरा ऑन हो गया वैसे ही वो सीन भी खत्म हो गया। ये बंदे ने रेलवे ट्रैक से इतनी होली गाड़ी निकाली है ना, बंदा प्यार करता है अपनी एकरा गाड़ी से। आपके भाई ने ना इंडिया में ढोलियों वाले ट्रक बड़े चलाए हैं, ट्रक बोल रहा हूँ, मोटरसाइकिल की बात करनी है, जो दोटी नहीं उठाते। मैंने आपको बताया कि हमारा डेयरी फार्म है इंडिया में, उस वजह से ना हमें मतलब मोटरसाइकिल ऐसा चलाना पड़ता था जिनके आसपास शिकंजे होते थे, शिकंजों के ऊपर वो दूध के भरे हुए ड्रम लेके जाता था मैं, और दो एक साइड पे, एक साइड पे और एक बीच में भी बड़ा रख लेता था मैं, और वो बहुत उठाया भाई, 60-70 किलो एक साइड होता था। इन्हें जान नहीं देना, मैनू लेनी चेंज करन देती मामा जटाड़िया, और इधर भी आ गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हमें जाना सीधा यहाँ से काथरा रोड। जब भी मैं हाईवे के ऊपर आता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ना ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है, तो मेरे साथ ना आवाज ना कभी कभी फटने लग जाती है, तो अभी देखते हैं आवाज फट तो नहीं रही, तो बाद में पता चलेगा जब इसको निकालेंगे वीडियो में। आपका भाई ना सिर्फ अकेला बंदा है जो बाइक पे आता है, वैसे इतनी कन्वीनियंस नहीं है बाइक के ऊपर, अगर हम बात करें तो बैग फेंके गाड़ी में, गाड़ी में सीधा यार्ड में जाओ तो इसके ऊपर तो पहले कितनी सेटिंग करनी पड़ती है, अपना फोन यहाँ पे सेट करो, हेलमेट पहनो, ग्लव्स पहनो, बैग पैक करो, उसमें
है, कोई चक्कर नहीं है, जितना मर्जी सामान रखो इसके ऊपर सेटिंग करनी पड़ती है, तो उनकी भी बात ठीक है किसी ना किसी जगह पर, बट यार कुछ अलग करे उसी में मजा है। A few moments later. इसका नंबर क्या है? 7013. ओके चेक करते हैं एक बार इसको, अपने ट्रक को ले आए, और कोई रोल टाइट है भी नहीं हमारे यार्ड में, सारे फ्लैट बेड यहाँ आप देख सकते हो, हाँ कोई सारे फ्लैट बेड ही है, बस वही है रोल टाइट, वही लेके जाना होगा जो मुझे लगता है। ये रहा साथ में, जगह भी छोटी है तो यहाँ पे लगा देते हैं अपने बाइक को। इसका पंखा भी ऑन हो गया, ये दोनों ईटा ये तो लास्ट टाइम डलवा लिए थे पीछे वाले, ये चार टायर नहीं हो गया आपके बाइक के। ये हमारे बस की बात नहीं है भाई, हमें तो वही ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ये काफी भाइयों को इजी भी लगता है, बहुत भाई बोलते हैं कि रोल टाइप वाले ट्रेलर है। सारी चीजें मैंने अभी सीखी हैं, इसके ऊपर देखा है कि क्या क्या चीजें करनी है। मैंने सुना तो बहुत कुछ है इसके बारे में, पर कभी यूज नहीं ना किया, तो अभी यूज कर रहे हैं, तो देखो क्या क्या बनता है। सुनने में और करने में फर्क होता है भाई। और जो इसके अंदर जाने का एक्सेस होता है ना, तो वो यहाँ से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतना फुल है, अंदर जाने का कोई एक्सेस नहीं है, यहाँ तक भरा हुआ है। और आप वेट चेक कर सकते हो, वेट बहुत ही कम है इसके अंदर। अगर बाकी इसको खोलना है ना पीछे से, तो ये डंडी होती है यहाँ पर, ये वाली डंडी है, ये डंडी पाइप है जो भी है, पर वहाँ पे उसकी जो स्टार्टिंग पिन पॉइंट है, वो पिन हम ऊपर डालते हैं, इस साइड को नहीं, साइड में डालते हैं ऊपर, वो वहाँ पे यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, उसको घुमाते हैं, फिर ये सारा ऊपर चला जाता है। मैंने आपको एक पहले भी दिखाया है, यहाँ पर एक हमारे पास वो रेंच सा होता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, हम इतने कंफर्टेबल नहीं है ना इसमें ये चलाने में, तो इस वजह से हमें उन चीजों के नाम नहीं पता। वो दोनों साइडों से ढीला करो इसको, ये सारा फिर आगे को स्लाइड हो जाता है, वैसा ही आगे को होता है, आगे एक विच होती है, विच दबाया सारा पीछे। अभी एक घंटा हो गया यहाँ पे आए हुए, तो निकलते हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है हमारा। यहाँ पर वेदर चेक करो आप, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, तो आगे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे आगे ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। वो उधर दूर अगर हम देखे तो पता नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं। लो भाई साहब होगी स्टार्ट। जब भी मैं थोड़े टाइम बाद पीछे देखता हूँ ना, तो ये बड़ा रोल टाइप देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है। तो जब मैंने ड्राइव वैन से शिफ्ट किया था फ्लैट बेड में, तभी मुझे ऐसा ही लगता था कि भाई ये ड्राइव वैन किधर गई, क्योंकि रात को पीछे देखना आसान हो जाता है, बट अगर रात को आप पीछे देखोगे ना, आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी कि आपके पीछे फ्लैट बेड है। कहीं जगह पर वेदर ठीक हो जाता है, किसी जगह पर वेदर बैड है। पीछे बहुत बारिश हो रही थी, और इधर देखो स्टारबक्स देख के ना चाय टी लाते याद आ गई, तो मैं अपना जो वॉलेट अपने ट्रक में भूल गया, ट्रक के अंदर से वॉलेट लेके आते हैं और पियेंगे चाय। आज इनकी सारी पार्किंग फ्री है, यहाँ पर दो ट्रक है और एक उधर है। ये वाले रेस्ट एरिया पूरे ब्रांड न्यू बने हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया है जब इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। ऐसे रेस्ट एरिया हर 30-40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के बाद, अभी आधे बन चुके हैं, आधे अभी बन रहे हैं, बहुत सारों के ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये जो आप कॉफी देख रहे हो ना, ये कॉफी नहीं है भाई साहब, ये मेरी 30 मिनट की मेहनत है। 30 मिनट लगे एक कॉफी को लेने के लिए। मैं सोच रहा था कि ऑर्डर करके मैं वापस आ जाता अपना खाना पानी खाने के लिए, पर यार बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अभी रोटी पानी भी खाना है। आज ही तो रेस्ट एरिया के ऊपर पहुंच चुके हैं, ये आप पीछे चेक करो कितना अच्छा सुंदर रेस्ट एरिया है ना, जैसे घर होता है वैसी रेस्ट एरिया बनाया, और साथ में यार सीनिक लुक यार, वैसे ही पता नहीं यार क्या चीज क्या है, मेरे हिसाब से बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। आज पता क्या आ रहा है, 2 किलोमीटर में बारिश होती है, 2 किलोमीटर ठीक रहता है, 2 किलोमीटर बारिश होती है। वो देखो अभी पीछे उधर बारिश हो रही है, अगर आप देखो तो यहाँ पर वेदर कैसा है, मेरे हिसाब से आगे वेदर ठीक ही रहेगा, इधर नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी इधर। तो चलो अभी मैं फेंकता हूँ कैमरा और आप लेके आओ उधर से मजा। मुझे तो अभी अभी ड्रोन शॉट से पता चला कि भाई ये ऊपर से व्हाइट है यार, ये आप चेक करो ऊपर से व्हाइट है जो ये ऊपर वाली जगह है ना। कभी कभी ड्रोन उड़ा के ना रूह खुश हो जाती है भाई, आज वो वाली हुई क्योंकि बहुत सुंदर नजारा है। अगर आपको ये शॉट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे चैनल की सपोर्ट होती है। ये मैं देख रहा हूँ यार ये पैच क्यों लगे हैं, ये देखो एक पैच दो पैच और कितने पैच लगे हैं। अभी ये देखो इसके बीच में से भी कुछ ना कुछ लग रहा है हमारी स्केट्स का, ये मेरे हिसाब से ना ऐसे फट जाती होगी। ये देखो नीचे भी कितने पैच है इसके ऊपर, यार ये घर है या क्या है, ये रेस्ट एरिया है, वैसे रेस्ट एरिया है। अच्छा उधर ऊपर से एंट्रेंस है, उधर जाके ना सारी जगह चेक करो,
घूम के ये मिल गया हमारा भाई। ये दूर दूर तक ना कोई भी नहीं है, इधर भी सारा ये भी वाला मेरे हिसाब से कोई मॉल वगैरह, और ये उसकी बैक साइड है, वो सारी डॉक्स दिख रही है ना, मैंने उससे अंदाजा लगाया। मुझे ऐसा था कि शाम को 7-8 बजे पहुंच जाएंगे और सुबह 6 बजे मॉर्निंग में बुक हमारी चल जाएगी। और वैसे यहाँ पर ना मैंने शहर चेक किया, ये बड़ा शहर होने के कारण ना 1 घंटा दूर दूर तक कोई ट्रक स्टॉप नहीं है जिसके ऊपर पार्किंग मिलने के चांसेस हो। वैसे है थोड़े बहुत, पर पार्किंग मिलने के चांस नहीं है। मेरे मन में डर था कि अगर यहाँ पर पार्किंग ना मिली, तो फाइनली यहाँ पर चलो पार्किंग तो मिल चुकी है रात को सोने के लिए। प्रॉब्लम हमें तब आई जब मैंने देखा कि रोल टाइट, वैसे मुझे पता था रोल टाइट है, पर मुझे ऐसा नहीं पता था कि कुछ चीजें इसमें और देखने वाली होती हैं। और मैंने मैकेनिक से पूछना शुरू किया इसके बारे में, नॉलेज गेन करते करते वहां पे टाइम खराब हो गया, ड्रोन शॉट लिए और फिर थोड़ा सा ट्रैफिक भी था, और करते 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 अभी 11 बज चुके हैं रात के। बाकी अगर ये आपको रोल टाइट या आपको कोई ना कोई व्लॉग का पार्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, अपना कोई ना कोई विचार दे दिया करो अपने। और मुझे जगह बहुत भूतिया लग रही है ये, और बाकी कोई बात नहीं, आज के व्लॉग को यहाँ तक ही रखते हैं, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।